हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एपीएन ऑनलाइन क्लास। तो जैसा कि स्टूडेंट्स अपने साइंस के ऑनलाइन क्लास के अंदर लेसन नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट समझा था, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर देखिए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट के अंदर देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था, हमने स्विमिंग रूल देख लिए थे, ठीक है। इसके बारे में मैं लास्ट में दोबारा से बता दूंगा, मेरे को याद दिला देना, ठीक है। एक कुछ जो इससे पहले वाली क्लास में इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, दोबारा से बता देता हूँ कुछ कि मैग्नेटिक जो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है वो है टेस्ला, और इसका जो मेजरमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट काम में लेते हैं उसका नाम है कंपास। कंपास के बारे में ऑलरेडी इससे पहले वाली क्लास में अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इसका डायग्राम वगैरह सब कुछ अपन इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए कि अब ये चीज आप छोटे क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप इसको किसी जगह पर नोट कर लीजिए, बुक में उस टॉपिक के ऊपर या फिर नोटबुक में, वहां पर भी आपको सुटेबल लगे वहां नोट कर लीजिए। अब है राइट हैंड थंब रूल, बेंडल्स, सॉरी, नेक्स्ट है। आप स्टूडेंट आवाज आ रही है ना? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल अब देखिए ये क्यों जरूरी है। देखो, हमने स्टूडेंट्स इससे पहले अपने मैग्नेट के बारे में पढ़ा था कि जनरली जो मैग्नेट है, ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, एन और एस, ठीक है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, मैग्नेटिक फील्ड की, वो एन टू एस होती है। ये तो हमने कर लिया, लेकिन अब ऐसी कोई कंडीशन आ जाए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट की बात करें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक पेन है, इस पेन में हमने इधर से करंट फ्लो किया या ऊपर से किया, ऐसी कंडीशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, या इसको अपन ने मोड़ लिया उसके बाद में इसकी डायरेक्शन क्या होगी, या हमने दो मैग्नेट लगा दिए तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। तो ऐसी कंडीशन के लिए हमें ये रूल भी फॉलो करना पड़ेगा। जनरली जो रूल होता है वो होता है एन से एस की तरफ, मतलब जनरली जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो नॉर्थ टू साउथ पोल होती है स्टूडेंट्स। अब आगे देखिए, अब अपन आगे देखते हैं राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है। राइट हैंड थंब रूल ये कहता है कि अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें, देखिए अपने राइट हैंड को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करें कि अपना जो थंब है वो एकदम से स्ट्रेट रहे और जो बाकी फिंगर है वो रैपिंग करे, ठीक है, यानी एडजस्ट द राइट हैंड, ठीक है, ऑफ द थंब इज एडजस्ट द स्ट्रेट एंड द रिमेनिंग फिंगर आर रैप अराउंड द थंब। सो दिस थंब, इफ this thumb is show the main direction of current, if this thumb is show the direction of current, then the remaining finger show that direction of magnetism। मतलब क्या है, ये बोल रहा है यदि हम अपने राइट हैंड को इस तरीके से करें कि अपना जो थंब है वो एडजस्ट हो जाए इस तरीके से एकदम स्ट्रेट, और जो रिमेनिंग फिंगर है वो उसके चारों तरफ रैपिंग, यानी इसके चारों तरफ रैप के रूप में रहेगी, ठीक है, इसको चारों तरफ ऐसे मुड़ी हुई रहे। तो ये किसको शो करता है, मैग्नेटिक, यह करंट को शो करता है, तो ये रिमेनिंग फिंगर किसको शो करती है,
मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझे? यस सर। हाँ भाई स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए इससे रिलेटेड जो एप्लीकेशन है वो तीन है, यानी इससे रिलेटेड तीन क्वेश्चन, तीन टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला राइट हैंड थंब रूल चलता है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन, अब इससे रिलेटेड तीन एप्लीकेशन है, यानी तीन चीजें इस पर डिपेंड है। पहला है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है ना, इससे रिलेटेड कौन कौन सा है? पहला है करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, दूसरा है सर्कुलर कॉइल या लूप, और नेक्स्ट है सोलेनोइड। इससे तीन चीजें पूछ जाती है। पहला है करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट कैरिंग कंडक्टर, सेकेंड सोलेनोइड, सोलेनोइड करंट कैरिंग लूप या सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर कॉइल, और थर्ड है सोलेनोइड, ठीक है, फिर है सोलेनोइड। ये तीन क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ये तीन चीजें। अब इनके बाद ये तीनों की तीनों चीजें राइट हैंड थंब रूल पर बेस्ड है, ये स्टूडेंट ध्यान रखना, ये किस पर बेस्ड है? राइट हैंड थंब रूल के ऊपर बेस्ड है। अब इन तीनों का अपन वन बाय वन डिटेल से स्टडी करें। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सबसे पहले अपन स्टडी करेंगे करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर। ओके, हाँ भाई स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद में देखिए अब अपन इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कुछ इस तरीके का होता है, मान लो जिसको थंब कहते हैं, मान लो ये थंब है और जो रिमेनिंग फिंगर्स है वो इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से इसके चारों तरफ, तो ये किसको शो करता है? करंट, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है, ठीक है ना, ये किसको शो करता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। फिर उसके बाद में देखिए, ओके स्टूडेंट्स, फिर अब आगे देखिए, अब अपन इसके बारे में वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, तो करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर के बारे में डिस्कस करते हैं कि अगर करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर हो, अगर ऐसा भी हो तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड अपन कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं वो देखिए, ठीक है। तो पहला है स्टेट कंडक्टर, यानी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, तो पहला रहेगा करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर, करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर क्या कहता है ये, ठीक है, इसको अपन किस हिसाब से करेंगे? इसको करने के लिए देखो इसका जो डायग्राम है वो क्या बनेगा, ये मान